अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। गुड नेम? हानिया। क्या करते हो आप? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करते हैं। हानिया का क्या मतलब? हानिया का मतलब खूबसूरत, हसीन। वो तो आप हैं। शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें से हमारे जो पिछले फखर जमान थे उन्हें निकाल दिया गया। बाबर आजम तो खैर कप्तान है, क्या इस बार बाबर आजम के बल्ले से रन जो है वो उगलेंगे कि नहीं उगलेंगे? बाबर आजम जो है उन्होंने इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं किया, बाकी टीम जो है उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन बाबर आजम ने इस दफ़ा कुछ भी नहीं किया। तो बाबर आजम से तो कोई तवक्कोआत नहीं की जा सकती। आई होप कि वो बेस्ट हों। अगर वो टेस्ट मैचेस करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर वो शायद बेस्ट खेल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं। आपको लगता है कि जो है रिजवान को टीम मिस करेगी? बिल्कुल, क्योंकि वो अच्छा खेलते हैं, तो इस वजह से जो इंसान अच्छा काम करता है उसको सारे याद करते हैं। इस बार सीरीज किसकी होनी चाहिए, पाकिस्तान या इंग्लैंड? मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरी यही है कि पाकिस्तान की ही होनी चाहिए, और लेकिन लगता नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो सीरियस होकर खेल नहीं रहे। सही है। नसीम शाह का तो आपने देखा होगा आजकल फुल फेमस हुआ है, और काफ़ी लड़कियां जो है उन पे लटू हुई हैं, और इस बार जो है वो पाकिस्तान में मैच हो रहा है और पाकिस्तानी लड़कियाँ जो है वो ज़्यादा होंगी कि नहीं? पाकिस्तानी लड़कियां बिल्कुल, पाकिस्तान मैच जो है वो सब देखते हैं और बहुत शौक से देखते हैं, तो पाकिस्तानी लड़कियां क्यों नहीं होंगी यार, बिल्कुल होंगी। अगर देखा जाए तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी दूसरे मुल्कों से उनको ऑफर आ रही है शादी की, क्या आपको लगता है कि नसीम शाह भी जो है वो दूसरे खिलाड़ियों की तरह इंडिया में जो शादी करना पसंद करेंगे? ये तो उन पे है कि वो करते हैं या नहीं, उन पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर वो करना चाहें तो यार अच्छी बात है, हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। वहाँ की भी लड़कियाँ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत एज वेल एजुकेटेड हैं, तो अगर वो आपको प्रपोजल भेज रही हैं तो आप ज़रूर एक्सेप्ट करें अगर वो करना चाहें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप बताएं। नाम? मैं भी ठीक हूँ। नाम तो मैं आपका नहीं पूछना चाहूँगा क्योंकि आप काफ़ी फेमस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो देखेगा वो आपको जान जाएगा, वो खुद ही जान जाएगा। शीश कमल अमानत। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, मेरा छोटा सा पर्पज़ ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का, इंग्लैंड का जो है मैच होने जा रहा है मंगल को कराची में, इस बार जो है वो बाबर आजम कैसा खेलेंगे जैसे वो पिछले मैचों में खेलते हैं, क्या ऐसा ही खेलेंगे, क्या अब पाकिस्तान में वो उनका बल्ला जो है वो रन उगलेगा? मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो लास्ट टाइम देखा जाए वो फॉर्म में ही नहीं आए, और मुझे लगता है कि हमारे कैप्टन को चेंज कर देना चाहिए। एक दफ़ा गलती को माफ़ किया जा सकता है, दो दफ़ा किया जा सकता है, तीसरी दफ़ा तो नहीं किया जा सकता। आई थिंक सो वेरिएशन लानी चाहिए, किसी और को कैप्टन बनाना चाहिए जो वाकई सीरियस होकर ये दोस्तियों वाले माहौल और पसंद नापसंद वाले माहौल से बाहर आएँ और कुछ अच्छा करके दिखाएँ। ये हो गया। और रिजवान को टीम से बाहर निकाल दिया गया, यानी कि उसे रेस्ट दे दी गई है, क्या ये टीम जो है रिजवान के बगैर चल पाएगी? यार मुझे समझ नहीं आ रही, क्रिकेट हो रहा है या फिर आप? अच्छा जी, मुझे समझ नहीं आ रही यार, ये क्रिकेट हो रहा है या फिर आप घर में वो जो छोटे छोटे बच्चे वो गाड़ी के साथ धागा बांध के चल रहे होते ना, वो आप रेस लगाई हुई है क्या है यार? समझ ही नहीं आ रही। कभी किसी को निकाल देते हो, कभी किसी को रख लेते हो। जिसको रखना चाहिए आप उसको रख नहीं रहे हो, जिसको नहीं रखना चाहिए उसको आपने वो जो है वो टीम में ऐसे एंटर बादशाह बनाया हुआ है, ये तो बात गलत है ना। उसको क्यों निकाला बाहर, क्यों रेस पर रखा, उसने क्या किया, ये इसका आंसर देना। और रही बात बाबर आजम, बाय लुक्स अच्छे लगने से कुछ नहीं होता, पाकिस्तान का क्रश बनने से कुछ नहीं होता, आप कुछ हमें करके भी तो दिखाओ ना, फिर मज़ा आएगा। सही हो गया। फखर जमान को टीम से बाहर निकाल के अच्छा किया? बिल्कुल नहीं। क्यों यार, अच्छा खेलता है वो, क्यों किया? अब खेल रहा है, पिछले अगर देखा जाए तो जो एशिया कप हो रहा है आजम से तो अच्छा ही खेला है, जाने दे इस बात को, अंडे पे वोट हो रहा तो खैर है ना, करना चाहिए ऐसा, ऐसा करना चाहिए, उसको रखना चाहिए था। जो अंडे पे आउट होता है ना वही आपको सिक्सर पे सिक्सर दे सकता है। सही। अच्छा, और मैं दूसरा आपको सवाल कर लूँ, यानी कि जो नसीम शाह है इस बार वो पाकिस्तानी लड़कियों पे कैसा जादू करेगा? यार मुझे ये बताओ कि इंडिया की लड़कियां उस पर मर रही हैं, पाकिस्तान की लड़कियां उस पर जो है वो मर रही हैं, उसके लिए दुआ करो बेचारा अच्छा खेल के आए, पर लड़कियों की तरफ उसकी सारी तवज्जो होगी, उसने खेलना खा के नहीं, यानी कि देखा जाए तो ये ना हो कि हमें भाभी जो है वो इंडिया की आ जाए या और किसी मुल्क की आ जाए, पाकिस्तानी होनी चाहिए। छोड़ो कप को, देखो कप कहाँ जा रहा है, भाभियाँ तो मिल जाएंगी। तो जो एशिया का वो चला गया, अब तो हमने सीरीज देखनी है अपनी, तो आगे आगे अच्छा खेले ना, भाभी छोड़ते रहो, पता नहीं किनियाँ को पहले ही होनी आने, यानी कि वो इतने मोबाइल उधर जो है वो लगा हुआ था, कोई इधर से मोबाइल फेंक रही, कोई इधर से मोबाइल फेंक रही, वो मोबाइल इकट्ठे करने पर लगा हुआ था।
तो खैर है इकट्ठे कर लीजिए। मुझे लग रहा है रिसेंटली जो है वो उसने आने वाले वक्त में ना उसने एक मोबाइल की फैक्ट्री बना लेनी, जितनी लड़कियाँ उसकी दीवानी है। ठीक है, देखिए लड़का वाकई प्यारा है लेकिन जब वो बोलता है ना मुझे एक्चुअल में वो बोलते हैं मतलब वो थोड़ा वो पख्तून वाली साइड से है तो मुझे लगता है कि नहीं भाई ये हमारी साइड का नहीं है, इसको छोड़ो, ये वाकई जब पख्तूनियों से ही वो शादी करेगा क्योंकि पख्तून की लड़कियाँ पंजाब की लड़कियों से ज़्यादा प्यारी हैं। तो ये जो हमारी पंजाब की लड़कियाँ इसके पीछे पागल है, ना करो यार, नहीं मिलना उसने। नहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी पंजाबी हो, माशाल्लाह आप भी काफ़ी प्यारे हो। नहीं मुझसे भी बड़ी प्यारी प्यारी होते हैं लेकिन कुछ बात करने का अंदाज, देखने का अंदाज, चलने का, कोई हर कोई आपकी नज़र से तो नहीं देखता ना। मेरी नज़र से किसको? सबको। मेरा भाई शर्मा गया है। नहीं नहीं मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि यानी कि अगर देखा जाए तो क्रिकेट का वाला टॉपिक है, क्रिकेट के अबाउट कोई सवाल करो। यानी कि अगर हम देखा जाए तो जो है नसीम शाह जो है इस बार भी लड़कियों पे जादू चलाएंगे, अगर जादू चलाएंगे तो क्या वो अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे? बस अपना बल्ला चलाएं, शायद हम लोग कामयाब हो जाए, जादू का तो मुझे नहीं पता। थैंक यू, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, नाम आपका? इब्राहिम। इब्राहिम साहब क्या करते हैं आप? मैं सेकंड ईयर की है। सही है, क्रिकेट का शौक है आपको? जी। जैसे आपको फिर पता होगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो है वो सीरीज हो रही है। जी 20 तारीख से शुरू हो रही है। वो इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान में आकर मैच खेल रहा है। जी काफी टाइम बाद अपॉर्चुनिटी मिली है। आप कैसा फील कर रहे हैं कि एक अच्छी टीम जो है वो पाकिस्तान में काफी देर बाद आई है? अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान को कि इतनी अच्छी टीम के खिलाफ खेल रही है तो ये एक मौका है अच्छा उनके पास कि इंटरनेशनल अपने जो रिलेशनशिप है क्रिकेट में वो बेहतर करें। अच्छा सर, आपको पता है कि जैसे पीछे एशिया कप गुजर गया उसमें जो है फ़ख्र ज़मान जो है हमारे इतने अच्छे हिटर थे वो कुछ भी नहीं कर सके और अब उन्हें टीम से इस सीरीज़ से फारग किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये लक की बात ही होती है, कभी कोई खेल सकता है कभी नहीं, तो वैसे नए प्लेयर्स को भी मौका देना चाहिए जिस तरह हैदर अली वगैरह हैं तो उनको मौका देना चाहिए क्योंकि वो अच्छे हिटर हैं। अब आप पाकिस्तान टीम को क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया इंग्लैंड के साथ वो कैसा जो खेलेंगे? क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो उनकी टीम है उसमें तो वो नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अब अगर उनमें से जो अच्छा खेलेगा तो अब उसी को वर्ल्ड कप में मौका मिलेगा, तो बाकी बेस्ट ऑफ लक है पाकिस्तान टीम के लिए। बाबर आजम के लिए आप क्या कहेंगे, इस बार बाबर आजम के जो बल्ले से रन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अब ये तो नहीं मैं बता सकता क्योंकि जिस तरह बहुत अच्छा खेला था एशिया कप से पहले बाबर आजम, बहुत अच्छा खेलता रहा है कंटिन्यूसली, वो बहुत अच्छे खेलता रहा है, रेटिंग उसकी बहुत अच्छी जाती पर अप एंड डाउन फॉल आते रहते हैं, तो इस वजह से उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है। अब क्या अब तक क्या होगा? नसीम शाह जो है उसने बंगला उसके खिलाफ अफगानिस्तान के खिलाफ दो छक्के लगाए जिससे उसकी जो है फ़ैन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, लड़कियों की तादाद काफ़ी बढ़ गई, कोई एक उसे ऑफ़र कर रही है, कोई एक उसे ऑफ़र कर रही है कि मेरे से शादी कर लो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इस बार उसे कितना फेम हासिल होगा? ये तो मुझे नहीं पता, आप जिस तरह आप शाइन भी है उसका भी यही हिसाब था, तो पाकिस्तान में अब एक बंदा अगर अच्छी गेम कर रहा है तो उसके पीछे सारे फ़ैन होते हैं और उसके बाद अगर वो बुरी गेम करता है सारे उसके खिलाफ हेट फैलाना शुरू होते हैं। आपको लगता है कि वो जो इंडिया की लड़की उसे ऑफ़र कर रही है और दोनों ने एक दूसरे को इंस्टा पे फॉलो भी कर लिया? जी फॉलो किया था पर उसके बाद अनफॉलो हो गया, अभी तो सही हो गया। इंडिया में शादी करेगा वो क्या पाकिस्तान? ये तो मुझे नहीं पता, उससे पूछना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, वेलकम।